नमस्ते साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च पुणे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की दुनिया में हम सभी 100 से भी ज़्यादा मोटर से बने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मोटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 वोल्ट की बैटरी, अल्पिन, इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैची, साइकिल की ट्यूब, कटर, चुंबक। आइए जानते हैं इसको बनाने की विधि। 1.5 मीटर का इंसुलेटेड कॉपर वायर ले और इसे बैटरी के आसपास घुमाकर लगभग 10 बार लपेट ले और फिर स्प्रिंग की तरह बनी इस कॉपर वायर की कॉइल को हटा दें। अब आप इस कॉइल के एक सिरे पर गांठ बांध ले तथा वजन के समान वितरण के लिए दोनों गांठें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। कैची की सहायता से इन दोनों सिरों के 3 सेंटीमीटर लंबे अनुपात में काटे और एक कटर लेकर कॉइल के एक सिरे से इंसुलेशन की परत हटाए और दूसरे सिरे की परत को आधा ही हटाए। अब आपका कॉइल तैयार है। इसके बाद एक पुरानी साइकिल की ट्यूब ले और कैची का उपयोग कर ट्यूब के छल्ले बनाए और इन ट्यूब के छल्लों को बैटरी पर लगाए तथा चुंबक और अल्पिन को इसके साथ जोड़ दे। अल्पिन के दोनों सिरों के बीच कॉइल रखे। अब आपकी मोटर तैयार है। विद्युत मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब कॉइल को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें से करंट गुजरता है जो अंततः विद्युत चुंबक में बदल जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपना दक्षिण और उत्तर ध्रुव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास रखा गया स्थायी चुंबक चुंबक की ध्रुवीयता के आधार पर इसे आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, जिससे कॉइल घूमता है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जानबूझकर दो परतों के सिरों में से इंसुलेशन की एक परत आधी छोड़ी थी, जो हर घुमाव के लिए करंट को चालू और बंद करने में सटीक योगदान देता है। मोटर की गति मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है: कॉइल से गुजरने वाला करंट, कुंडल में घुमावों की संख्या, चुंबक का बल। है ना काफी आसान? तो आप अपनी खुद की डीसी मोटर बनाइए और मजे कीजिए।